यशोदा मैया ने पंडित जी को भोजन करवाया, महर्षि को जिमाया और विदा किया। यशोदा के भोजन में ऐसी पवित्रता, आचार्य के भोजन करने की पद्धति इतनी महान कि आज आचार्य की भोजन की थाली में श्री चतुर नारायण का दर्शन हुआ। कारण, यशोदा के घर में जब भी भोजन पकता तो उसमें सबसे ज्यादा गाय का ही यूज होता, प्रयोग, दूध हो, दही हो, घृत हो, शुद्ध वनस्पतियों में भोजन पकता। प्रभु के नाम का, संत महात्मा गुरु जनों के नाम का भोजन पकता, स्नान करके भोजनालय को धो के पहुंच के भोजन पकता। भोजनालय में कभी किसी ने भोजन नहीं किया आज तक। सब कुछ अच्छा है महाराष्ट्र की पावन धरती में, पर किचन में बैठ के खाते हैं यही खराब है। भोजनालय में बैठ के मत खाओ। भोजनालय को अन्नपूर्णा माता का मंदिर समझना शुरू करो। अंडा लाना बंद करो, मांस लाना बंद करो। अंडा और मांस तुम्हारे भोजनालय में कभी नहीं आएगा और कभी भोजनालय को झूठा नहीं किया जाएगा। बनाते बनाते नहीं खाना, भोजनालय में घूमते फिरते नहीं खाना, सब्जियां काटते काटते नहीं खाना, सब्जी छीलते समय नहीं खाना, तो एक दिन गोविंद का दर्शन भोजनालय में अवश्य होगा। उसके लिए समय लगेगा। कोई कल से ही भगवान पंडित जी बन जाए और फिर कहे गुरु जी कह के गए हमें तो दर्शन हुआ नहीं, 3 महीने हो गए शुद्धि कर करके, 3 महीने की जगह 6 महीने भी लग सकते, 10 भी लग सकते। यशोदा मैया 80 साल से भोजन पवित्र बना रही है पर इतनी बूढ़ी हो गई, आज पंडित जी अच्छे आए तो दर्शन हुआ भगवान का भोजन में। भोजन पकाने वाला अच्छा हो पर भोजन खाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। अगर अन्नपूर्णा का मंदिर माना है तो भोजन में परोसा हुआ सब ब्रह्म है, ये भाव रखो। भोजन के आने का इंतजार जब तक हो रहा है आसन पर बैठकर, तब तक राम नाम जपो। भाई मैं तो करता हूं, मुझे कोई कहता है भोजन आ रहा है, मैं बैठ जाता हूं आसन पे, 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट भोजन आने में जितना टाइम है उतना राम नाम जपो, कोई गीत गाओ। भोजन आ जाए, थाली दिख जाए, यजमान के हाथ में प्रणाम करना शुरू कर दो। थाली रख जाए आसन पे, 3 बार कर लो प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ढोक लगा लो। मंत्र आता हो मंत्र बोल लो, नहीं आता है तो मन मन में कह लो कि खा लो भगवान, और एक और शब्द पीछे से कह दो, दुनिया में कोई भूखा हो मेरा भोजन उसे परोस दो, प्रभु मैं आज ऐसे रह लूंगा। इतना कह दिया भोजन पवित्र हो जाता है, सारी दुनिया को प्राप्त हो जाता है, और तो भी शेष बचता है तो वो हमारा है, उसे खाओ खुशी से। पर इतना आप नहीं करते, ऐसा करने में घस क्या रहा है, जा क्या रहा है, कुछ भी तो नहीं जा रहा ऐसा करने में। भोजन के इंतजार में हम वैसे भी तो बातें करते हैं इधर उधर की, भोजन करने के इंतजार में फोन पे बातें करते, वो व्यर्थी है। उससे भोजन तुम्हारा मल के रूप में गीता में बताया है, बिना यज्ञ के भोजन मल के समान है, और उससे मल बनेगा, और जो भोजन भोजन भगवान के रूप में भोगा जाएगा उससे बुद्धि बनेगी, विवेक बनेगा, चित्त बनेगा, चरित्र बनेगा। महाराष्ट्र के लोग कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा, तो अन्न तो अच्छा ही है, अन्न तो खेत में ही पकता है, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा। पर अन्न को पकाने वाला, अन्न को खाने वाला, अन्न को कमाने वाला जो है उसका प्रभाव अन्न पे पड़ता है। गर्ग ऋषि ने प्रभु का दर्शन किया, गदगद हो गए, और जाते जाते यशोदा को कह दिया कि तेरा लाला तीनों लोकों का अधिपति बनेगा। ब्रह्म है ये परमात्मा है। यशोदा ने 2 बार भविष्यवाणी सुन ली अभी तक 1.25 महीने में। पहले शंकर बाबा कह गए, आज ये गर्ग बाबा कह गए। यशोदा मैया को बड़ी चिंता हो रही, अगर ये अधिपति है परमात्मा है तो ये मेरे घर नहीं रहेगा, बड़ा होके ये चला जाए। इसलिए दोनों बाबाओं की भविष्यवाणी झूठी हो जाए, ये भगवान बन जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा, तो ये मेरा लाला नहीं रहेगा, और ये मेरा है, ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। गर्ग ऋषि विदा हो गए। धीरे धीरे भगवान 6 महीने के हो गए। लीला करते
आज भगवान अचानक 6 महीने के हुए तो शरीर जरा पुष्ट हो गया, थोड़े अचानक मोटे हो गए, और मोटे हुए तो प्रॉब्लम आया कि भगवान ने करवट बदल ली। आज 6 महीने में पहली बार प्रभु अपने आप बदले, पलना में बदले तो लुढ़क के नीचे जमीन पे, पलना छोटा पड़ गया। यशोदा मैया को पता चला, नंद को कहा, देखो लाला बड़ा हो गया है, पलना छोटा पड़ गया है, बाबा जल्दी से मथुरा गए, बड़ा पालना बनवा के लाए। और मैया से कहा कि अब नए घर में डाले इसको, नया पालना नया घर। और मैया ने करवट बद संस्कार किया 6 महीने के लाला के। सुनिए, पालने से बच्चा जब बिस्तर पे सोने लगे तब संस्कार करें, बिस्तर पे सुलाएं, खटिया में सुलाएं, तो संस्कार करवट बदल संस्कार। उसमें क्या होता है, गांव की सभी धार्मिक महिलाओं को इकट्ठा करके बालक के नाम से आज रत जगा करवाओ, रात में गीत गब्बा भगवान के। ऐसा करने से आपको लंबा लाभ मिलेगा भगवान के लिए, बच्चे के लिए। खूब नाचो कूदो, खुशी का ब्यावा। मैया ने देखा कि बालक सोया हुआ है, सब गोपियां आ गई हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं, और सो गया है, मैं भी नाच लूं। ऐसा सोच के कहीं लाला जग न जाए हमारे नाचने से, ढोलक से, तो मैया पालना उठा के ले गई और बाहर बाबा की गाड़ी खड़ी थी माखन की भरी, उसके नीचे जाके लटका दिया कि यहाँ आवाज नहीं आएगी, ये सोएगा तो हम नाचेंगे कूदेंगे, ये जग गया तो हमें तो काम पे ही लगा देगा। आज मैया ने नाचने कूदने के लालच में भगवान को घर के बाहर माखन, माखन का अर्थ निकाला आचार्यों ने माया, मायापति नीचे और माया ऊपर, संकट आएगा इस घर में। आपके घर में भी यही चल रहा है, भगवान की वैल्यू कितनी और माया की वैल्यू कितनी आप सब जानते हैं अपने अपने घरों में। आज घर में पूजा नहीं हुई है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी पे, पर आज घर में 10,000 रुपए खो गए तो पूरे घर में खलबली मच जाती है, झगड़े मारपीट पे बात आ जाती है। 10,000 रुपए खो जाए, पायजेब खो जाए, कुंडल खो जाए, नथली खो जाए, पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। और आज सुबह से पूजा हुई नहीं है, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। किसी ने पूछ लिया, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो महाराज, ऐसा हो गया है आज बहू का वो खो गया है, तो तुम ऐसे ही भटकते फिर रहे हो, पूजा पाठ हुआ सुबह, नहाया धोया कि नहीं। अरे कहाँ महाराज, आज सुबह से बुद्धि खराब है महाराज, आज दिन ही खराब है महाराज, कहाँ से पूजा होगी, कहाँ से पाठ होगा, नहाना कहाँ, खाना क्या, कुछ नहीं हुआ महाराज। हमने कहा यही तो सबसे बड़ी मूर्खता महाराज, कुछ खो गया है उसे पाने के लिए भगवान के पास ही जाओ, किसी बताने वाले के पास मत जाओ। बताने वाला फेंक रहा है पुड़िया, वो बता नहीं सकता, और भगवान बिना बताए सब कुछ मिलवा देगा, वहां पे नियम करो। अरे 10,000 रुपए का नुकसान हो के सब भगवान भगवान भूल गए, रोटी ना पक रही, घर में कोई हंस नहीं रहा, बोल नहीं रहा, एक दूसरे को आरोप लगा रहे, हमेशा तू ऐसा ही करती है, तू कभी नहीं सुधरेगी, तू ऐसा ही ध्यान नहीं देती, तुझे सब फ्री का दिख रहा है, जब से आई है तब से कितनी बार नुकसान कर दिया। हाँ नुकसान कर दिया, जुआ खेलती है सो नुकसान कर दिया, सट्टा तो तू लगाता है दुलिया में जाके, इसकी तो वो नथली ढीली पड़ गई और कहाँ गिर गई, झाड़ू मारते क्या पता भूल से, पर तू तो जानबूझ के खेलता है, ओ चढ़ चढ़ बैठता है आदमी। चलिए, खोया पाया भगवान की शरणागति में जाओ। मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं कि आप अपने पूजा पाठ देव धर्म स्नान ध्यान का नियम मत बिगाड़िए, जो खो गया है वो तुम्हारा था नहीं, जितने दिन तुम्हारा था तुम्हारे पास था, चुराने वालों ने खूब कोशिश की थी पर चुरा नहीं पाए, अब उस पे तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया, अब वो तुम्हारा कभी रहने वाला, ज्यादा हाथ पैर मत फेंको, घर में झगड़े मत करो, बस ढूंढने की कोशिश करो, पर झगड़े करके सामान नहीं मिलेगा। संगठन में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे शाम तक तो सबकी बुद्धि काम करेगी, कहीं ना कहीं आइडिया आ जाएगा, पर झगड़े से आइडिया भी नहीं आता, बुद्धि खराब हो जाती है।